फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनटेक चाणक्य, जहां आपको मिलती है फाइनेंस एंड टैक्सेशन की लेटेस्ट अपडेट्स एंड इजी वे टू गेन ए नॉलेज। आपने पहले वीडियो में देखा कि हम कैसे रिजोल्यूशन ले सकते हैं एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग अ फाइनेंशियल रिजोल्यूशन, ये उसका सेकंड पार्ट है फ्रेंड्स। बट आई बेट 15 में से कोई भी एक या दो फॉलो कीजिए टू चेंज योर लाइफ ऑन फाइनेंशियल टर्म एंड अमीर बहुत इजीली बन सकते हो। दूसरे टॉपिक में स्टार्ट करते हैं, पे ऑफ योर एजुकेशन लोन। इन केस अगर आपकी कोई भी एजुकेशन लोन खड़ी है उसको जल्दी पे कीजिए, बिकॉज देखा जाता है जब भी एजुकेशन लोन कोई इंसान लेता है आपको 4 से 5 साल का समय मिल ही जाता है जब आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं होती। एंड जब बंदा काबिल बन जाता है आइदर हिज पेरेंट्स और वो खुद जो स्टूडेंट होता है वो पे करने में ध्यान नहीं देते और लेट करते हैं पे करने में, सो विद दैट थिंग उनकी क्रेडिबिलिटी बिगड़ती है एंड इट इज गोइंग टू हर्ट यू एवरी टाइम। कोई भी लोन हो जल्दी पे करो उतना अच्छा है। नेक्स्ट, पे एक्स्ट्रा मोर्गेज लोन रिपेमेंट इफ पॉसिबल। अगर मुझे दिख रहा है कि जो मैंने बजट बनाया, मैं आपको सिखाया था पहले वीडियो में कि वी हैव टू प्रिपेयर सम बजट, इनकम ज्यादा होनी चाहिए एक्सपेंस कम होने चाहिए एंड इन दैट टर्म अगर मेरे इनकम बच रही है या कहीं और सोर्स से कहीं इनकम मुझे मिल रही है, ऑलवेज ट्राई टू पे योर डेट, वो भले बैंक से हो या बाहर से हो। बिकॉज अगर बैंक की बात करूं वी आर गेटिंग लोन फ्रॉम 9% टू 20 to 24% इवन 30%, डिपेंड्स कैसे टाइप की लोन है। बाहर से बात करूं तो 12% स्टार्ट होती है, इट गोज इवन 48% तक देखा है हमने, बट स्टार्ट पेइंग दैट। एंड अगर हो सके इफ यू आर कैपेबल ऑफ दैट थिंग प्लान ओनली वन थिंग, यू हैव टू पे अ लोन एंड अपना टाइम ड्यूरेशन कम कीजिए, ईएमआई कम मत करो। हम जब भी अपना ईएमआई कम करते हैं फ्रेंड्स तो हम लोग क्या इंटरेस्ट उतना ही रह जाता है एंड जब पीरियड कम नहीं होगा हम लोग को हेडेक रहने वाला है। अगर हमें पता है इनकम कम आने वाली है तो ईएमआई कम कीजिए चलेगा, पर पता है कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम सही है हम लोग का, स्टार्ट लोअर योर ड्यूरेशन। अगर 15 साल की लोन है अगर आपने 3 लाख रुपए पे किए उसमें आपका 1 से 2 साल ऐसे ही कम हो जाने वाला है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट एंड इट विल रियली हेल्प अस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ, क्रिएट अ विल। विल बोले तो दोस्तों विल यानी अगर आप नहीं रहे तो आपके पीछे आपका 24 स्पाउस है, मींस अगर हस्बैंड की बात करूं उनकी वाइफ, अगर वाइफ की बात करूं उनका हस्बैंड और आपके बच्चे जिनको आपसे बहुत उम्मीद है, उनमें बंटवारा कैसे होगा, आपके पैसे आपकी जायदाद का क्या होने वाला है, वो विल अभी से क्रिएट कीजिए। किसी को पक्षपात नहीं लगेगा, क्यों लगेगा, याद कीजिए जो पुरानी मूवीज होती थी वहां पे मोस्टली सब मूवीज में दिखाते हैं विल की बात। एंड अगर कोई अच्छा एडवोकेट या कंसल्टेंट होगा ही विल गाइड यू टू क्रिएट योर ओन विल। विल बना के रखिए एंड अगर आपके मन में कुछ खराब नहीं है, आपके बच्चे आपकी बीवी आपके पति आपको अच्छे चाहते हैं, उनको कहीं मुश्किल नहीं होने वाली है। बट इफ यू आर क्रिएटिंग अ विल उसमें सब कुछ आ जाता है, अपने फैमिली को पता होना चाहिए कि हम लोग का इन्वेस्टमेंट, हम लोग की लाइबिलिटी कितनी है, कहाँ पे है एंड फ्यूचर सबको लिए फायदा करता है। फ्रेंड्स फाइंड अ साइड हस्टल, मींस स्टार्ट और सर्च समथिंग जहां पर अपनी साइड में इनकम होने लगे। अरे मैं अच्छा कमा रहा हूं, आई एम डॉक्टर, आई एम सीए, इनकम तो आ ही रही है, इनकम आ रही है पर एक्स्ट्रा इनकम भी चाहिए। बहुत से लोगों को देखा है जिनकी सैलरी 10,000 रुपए महीने होती है, 20,000 महीने होती है एंड दे आर इन द कंफर्टेबल जोन, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, स्टार्ट प्लानिंग टू अर्न सम मनी। फिर से रेफरेंस दूंगा JDV वाले वीडियो का, उसमें बताया कि आप कैसे इनकम ले सकते हो, चेक दैट थिंग एंड यू आर गोइंग टू हैव अ एक्स्ट्रा इनकम फॉर यू। वो नहीं हो सकता तो प्लान टू हैव अ बेटर सैलरी जॉब, आपको सैलरी भी ज्यादा मिल सके, अपनी स्किल्स बढ़ाइए, आपको जॉब अच्छी मिलेगी और इफ यू आर बिजनेसमैन सर्च फॉर सच ए क्लाइंट, आपको ज्यादा पे कर सके, इनकम बढ़ेगी एक्सपेंस कम होगा, अपने पैसे बचेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट,
define your financial long term goal. हमेशा अपना लॉन्ग टर्म एक गोल बना के रखिए कि मुझे कितने रुपए चाहिए, मुझे क्या प्लान है। कभी आपको दोस्तों ने बोला हम बैंकॉक घूमने जाएंगे, हम मालदीव जाएंगे, आपके स्पाउस ने आपको बोला कि भाई बच्चों की छुट्टियां कहीं घूमने जाना है, अगर हम लोग या हमें कुछ घर परचेज करना है, रिटायरमेंट के बाद में ऐसी लाइफ जीने की भाई कोई हमें हैरान ना करे, वो गोल लेके अभी से उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है कंसल्टेंट से बात कीजिए और वैसे अपना फाइनेंशियल गोल बनाइए। यू विल अर्न ए हैंडसम मनी, आपको लाइफ में बाद में मुश्किल नहीं पड़ेगी दोस्तों। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज आवर वीडियो ऑन फाइनेंशियल रिजोल्यूशन। आज भी बोलता हूँ सर, एक या दो, एटलीस्ट एक या दो अगर सब हो सके तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ उसके लिए। अगर एक या दो भी अगर आपने हमें लाइफ में फॉलो कर लिए, कहीं पीछे नहीं रहोगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट बटन में लिखना दोस्तों अगर कुछ गलती हो रही है, वी विल इम्प्रूव दिस थिंग। इफ यू थिंक वीडियो इज गुड, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपने कौन सा रिजोल्यूशन आपने लिया है, विच रिजोल्यूशन यू हैव टेकन एंड कब तक आप उसको फॉलो कर रहे हो। बेटर इंडिया, बेटर वेल्थ, वी ऑल विल बी हैप्पी। कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। Subscribe our channel, Fintax Chanakya, for easy knowledge on finance and taxation.